इसको कवर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए बल्ब जल गया, ठीक है, और जैसे ही हाथ हटाएंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, यानी फिर समझिए अंधेरा खत्म होते ही ये आपका बल्ब बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाथ हटा दिए, कुछ टाइम लेगा और ये बंद हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे इस डे नाइट ऑन ऑफ सेंसर स्विच का कनेक्शन वायरिंग कैसे होता है और यह किस तरह से काम करता है और कहां पे लगाया जाता है और ये कितना लोड इसके ऊपर हम लोग चला सकते हैं। जैसे कि यहां पे ये हमारा डे नाइट ऑन ऑफ सेंसर स्विच है। डे नाइट ऑन ऑफ सेंसर स्विच नाम इसका है तो यहाँ पे सिंपल है कि डे और नाइट के लिए इसे लगाया जाता है। जैसे कहीं पे बाहर आउटडोर लाइट के लिए ही लगाया जाता है, जैसे कि कोई वेपर लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, रोड लाइट है, या कोई आपका फील्ड है जहाँ पे बाहर के साइड आपको इसे लगाना है कि दिन में कोई बल्ब है वो बंद रहे, रात होते ही यानी अंधेरा होते ही बल्ब को चालू कर देना है और जैसे सुबह होगा अंधेरा खत्म होगा उस समय फिर बल्ब आपका बंद हो जाएगा, यानी अंधेरा होते ही बल्ब को ये चालू करेगा, अंधेरा खत्म होते ही बल्ब को बंद कर देगा, उस जगह पे इस सेंसर स्विच को लगाया जाता है। यह सेंसर स्विच जो है आपका 6 एम्पियर का कैपेसिटी इसके अंदर रहता है, एसी है यानी 220 वोल्ट सिंगल फेज के लिए है, 220 से लेकर 240 वोल्ट के बीच में रहे तो ये प्रॉपर काम करता है। ऐसे 200 वोल्टेज भी रहेगा, 210, 215 तो भी ये काम करेगा। अगर बात करें यहाँ पे 6 एम्पियर का है तो 6 एम्पियर का कंटिन्यू जब लोड देंगे तो इसके अंदर जो रिले है वो छोटा रहता है, 6 एम्पियर का ही है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाएगा और इसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि 500 वाट से नीचे का लोड चलाएं। जनरली कोई वेपर लाइट है या स्ट्रीट लाइट है, आपका 2 से 3 लाइट हो सकता है, तो 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट आप चलाते हैं इसके ऊपर लोड, तो इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं, चाहे 2000, 5000, 10000 वाट, वो भी आप चला सकते हैं। उसका तरीका क्या है वो आगे की वीडियो में आपको दिखाया बताया गया है। अब चलिए यहाँ पे ये इस तरह से रहता है, आप इसे कहीं पे भी लगा लीजिए, जो बाहर आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं कोई स्क्रू के थ्रू या किसी तरह से इसे फिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर कनेक्शन करने के लिए 3 वायर है। 3 वायर में एक आपका ये ब्लू जो है न्यूट्रल लाइन इनपुट होता है, ये ब्राउन जो है फेज लाइन इनपुट होता है, यानी इसमें पावर सप्लाई लाइन आएगा तभी ये काम करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट है या प्रोग्राम है या जो लॉजिक है या जो सिस्टम है वो काम करता है, तो इसको इस दोनों में लाइन मिलना चाहिए, ब्राउन में फेज और उसके बाद ये ब्लू में न्यूट्रल, और ये रेड जो है इस यहाँ से आउट करता है। तो इसी के अंदर कोई भी बल्ब है या जो लाइट आप लगा रहे हैं फेज लाइन इसी से देंगे, न्यूट्रल इससे हम लूप कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे एक कनेक्शन करके दिखाते हैं बल्ब होल्डर का। हमारे पास एक बल्ब होल्डर है, इसके अंदर 2 वायर है, आपका हो सकता है वेपर लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, 2-4 लाइट हो, सबको लूप करके आप 2 वायर लेकर के आएंगे, एक न्यूट्रल एक फेज कनेक्शन होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे एक वायर को ये रेड वाला इस सेंसर स्विच से आउटपुट है तो यहाँ पे इसके साथ हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे ये जोड़ दिए, अब ये बिल्कुल अलग हो गया आपका, इसका और कहीं पे कनेक्शन नहीं होगा। आप जब जोड़ रहे हैं इसके ऊपर परमानेंट टेप लगा दीजिए, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसलिए टेप नहीं लगा रहे हैं, कुछ इस तरह से इस वायर को इधर कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद बचता है 2 वायर, ये ब्लू हमारा न्यूट्रल है तो बल्ब का यहाँ पे न्यूट्रल वाला वायर जोड़ लेते हैं, लूप हो गया समझिए यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूट्रल लाइन और इसमें फेज लाइन हमें इनपुट देना है जिससे आप चालू बंद करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वायर है, ठीक है, एक ब्लैक एक रेड, तो ब्लैक को यहाँ पे न्यूट्रल में हम जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से जोड़ दिए। उसके बाद रेड यहाँ ब्राउन में जोड़ देते हैं, ये फेज लाइन यहाँ पे इनपुट हो गया, यहाँ पे कनेक्शन कुछ इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसके अंदर लाइन देंगे और आपको चेक करके दिखाएंगे, तो हम इसके अंदर लाइन दे रहे हैं, ये ध्यान रहे कि आपको अच्छी तरह से टेप लगा लेना है, कहीं पे आप लगा रहे हैं तो हम सिर्फ चेक करने के लिए है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करके आपको चेक करके दिखा रहे हैं, इसके अंदर हम लाइन दे देते हैं। अभी फिलहाल इसके अंदर लाइन हमारा आ गया है, बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि अभी ये बिल्कुल
डे में हम चेक करें तो बिल्कुल उजाला है, अंधेरा तो है नहीं। तो यहाँ पे अंधेरा जब करेंगे ना इस सेंसर में तो ये जल जाएगा। तो अंधेरा करने के लिए फिलहाल क्या करेंगे, हम हाथ से इसको कवर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए बल्ब जल गया, ठीक है। और जैसे ही हाथ हटाएंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा, यानी फिर समझिए अंधेरा ख़त्म होते ही ये आपका बल्ब बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हाथ हटा दिए, कुछ टाइम लेगा और ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया, जैसे इसके अंदर फिर हाथ हम लगाते हैं तो अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ पे बल्ब जल गया। इसका मतलब यही है कि जैसे यहाँ पे आपका अंधेरा होता है, ये स्विच जब अंधेरे में चले जाता है, इसको रोशनी नहीं मिलती है, उस समय ये काम करता है। यहाँ पे LDR है इसके अंदर, इसे खोल करके अलग एक वीडियो में हम बताए हैं कि ये कैसे आप मैनुअली भी बना सकते हैं, पर ये ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, आपको 200 रुपये 150 रुपये में मिल जाता है, तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं।